Very good morning, students. Today we are going to start the third chapter, that is understanding quadrilaterals. In this chapter, first we have to understand what is polygon. Polygon is a simple closed curve made up of only line segments. कोई भी simple और closed curve. Simple curve किसे कहते थे? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. सिंपल मीन्स जो क्रॉस ना करे आपस में कहीं, जैसे ये है, दिस इज़ नॉट अ सिंपल. जैसे हमारे पास ये कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि दे आर क्रॉसिंग टू ईच अदर. ये हमारे पास एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है. ये सब क्या है? क्लोज्ड भी हैं और सिंपल भी हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सो दीज आर कॉल्ड पॉलीगन्स. दिस इज़ नॉट क्लोज्ड, so it is not a polygon. Also it is not simple. This is also not closed. It is made up of line segments but not closed, so it is not a polygon. This is not made up of line segments, so it is also not a polygon. Now diagonals of polygon. Diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Like if we have a rectangle, non-consecutive matlab jo एक के बाद एक ना आ रही हूँ, या नेबरहुड में ना हो, ये कभी कह सकते हैं. जैसे इन दिस रेक्टेंगल बी एंड डी, दे आर द नेबरहुड्स ऑफ ए. सो इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दें तो इस जो फोर्थ वर्टेक्स बचा है सी, उससे जब हम इसे ज्वाइन करेंगे दैट इज़ वन डायगोनल. दिस इज अनदर डायगोनल. सो रेक्टेंगल हैज़ टू डायगोनल्स, ए सी एंड बी डी. This is a pentagon. Here, this pentagon have five diagonals, AC, AD, क्योंकि A के consecutive कौन कौन से vertices थे? B और E. तो B और E को छोड़ के जब हमने बाकी दोनों vertices से join किया तो then they form a diagonal. Similarly, BE, BD and EC are its diagonals. Then interior and exterior of a polygon. आपको पहले पढ़ा है आपने, ये interior नाम से पता चल रहा है, means जो polygon के अंदर का part है. Exterior जो polygon के बाहर का part है, that is called exterior. Now convex and concave polygon. Convex polygon have no portion of their diagonals in the exterior. वो पॉलीगन जिसके डायगोनल का कोई भी पार्ट उसके एक्सटीरियर में ना लाई करता. कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम दो तरह से और चेक कर सकते हैं. इफ़ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री देन ऑल्सो इट इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगन. और अनदर प्रॉपर्टी इज इफ़ ऑल द वर्टिसेस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. मतलब जितने वर्टिसेस हैं सब बाहर की तरफ पॉइंट हो रहे हैं. जैसे ये हमारा एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, आप इसके जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये हेक्सागन है हमारे पास, छह साइड्स हैं इसमें, छह साइड वाला हेक्सागन कहलाता है. इसके आपके जब आपने ज्वाइन करा, ये डायगोनल्स हैं इसके, और डायगोनल्स का कोई भी पार्ट इसके एक्सटीरियर में नहीं है. कोई इस फिगर में भी आप देख लीजिए, डायगोनल्स का कोई भी पार्ट एक्सटीरियर में नहीं है, तो ये तीनों फिगर्स हमारी कॉन्वेक्स हैं. दूसरा जो पॉइंट हमने कहा, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. सभी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स दे आर लेस देन 180 डिग्री. इस फिगर में भी आप चेक कर सकते हैं, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. थर्ड पॉइंट वी हैव सेड ऑल द वर्टिसेस आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. मतलब जितने वर्टिसेस हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट हो रहे हैं. जैसे आप ये वर्टेक्स है, बाहर की साइड पॉइंट हो रहा है. ये वर्टेक्स है, बाहर की तरफ निकल रहा है. ये वर्टेक्स है, बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है. इसी तरह से इन फिगर्स में भी आप देख रहे हैं, सारे वर्टेक्स बाहर की तरफ पॉइंट हो रहे हैं. तो ये हमारा कॉन्वेक्स है. और कॉनकेव इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि डायगोनल्स का सम पार्ट अगर एक्सटीरियर में लाई कर रहा है देन दैट इज़ कॉनकेव. जैसे हमारे पास ये फिगर है, अगर मैं इस दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करूँ, ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो ये डायगोनल एक्सटीरियर में लाई कर रहा है.
या इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये डायगोनल आपने ज्वाइन किया, ये एक्सटीरियर में है। सेकेंड पॉइंट हमने कहा था एटलीस्ट वन एंगल ऑफ कॉनकेव पॉलीगन इज रिफ्लेक्स, कम से कम एक इंटर एंगल रिफ्लेक्स होगा। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं तो ये जो एंगल हमारा ये रिफ्लेक्स है, इसी तरह से ये एंगल आपका रिफ्लेक्स आ रहा है, इसी तरह से ये एंगल रिफ्लेक्स आ रहा है। थर्ड पॉइंट हमने कहा था एटलीस्ट वन वर्टेक्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द इंटीरियर, अंदर की तरफ आ रहा हो एक वर्टेक्स। जैसे इस फिगर में ये वर्टेक्स ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये तो बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये वर्टेक्स भी बाहर की तरफ है, तो ये जो वर्टेक्स है ये हमारा अंदर की तरफ पॉइंट हो रहा है, और ये वर्टेक्स जब आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बाहर की तरफ पॉइंट हो रहे हैं, ये तो बाहर की तरफ है लेकिन ये वाला वर्टेक्स आपका अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही इस फिगर में ये वर्टेक्स जो है ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम इस तरह से भी कॉनकेव पॉलीगन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हैव ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स इक्वल, जिस पॉलीगन के सभी साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स भी इक्वल हों, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट इज इरेगुलर। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, या स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल भी 90 हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर। इरेगुलर पॉलीगन कैसे, हमारे पास कोई भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है, या हमने राइट ट्राइंगल लिया है लेकिन इट इज़ स्केलन राइट ट्राइंगल, सो इट इज़ ऑल्सो इरेगुलर, क्योंकि एक एंगल 90 है बाकी इसके एक्यूट होंगे। ऐसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पे कोई इक्वल नहीं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो रेक्टेंगल हमारा इरेगुलर पॉलीगन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू।